आर्ट छा है, आर्ट की केतरी अहमियत है। इन हवाले से जो गुलशन हदीद में एक तमाम वही अजीम ए आलिशान तकरीब मुनकद कई वही है। इतने आर्ट से प्यार कदड़ शागिर्द उस्ताद पिण मौजूद हैं। उन आर्ट के हवाले से उनको चवण है, अचो तो संदन गाल बोल करूँ। मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ कि एक तो ये है कि दुनिया में इसकी अहमियत ज़्यादा है, और ये है कि हम रंगों को सीख सकते हैं कि रंग है क्या, उनके अंदर क्या है। जैसे कि मैंने अपनी ये पेंटिंग बनाई है और उसमें मैंने ये शायर किया है कि रंग हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उनको जाहिर कर सकते हैं। मुझे खबर कोने कि आर्ट छा हों छा ना है, इतने अचान से मुझे खबर पो कि मतलब आर्ट एडी सुठी शे के अलही ज़्यादा। किसी भी माशरे में शायर की अहमियत है, अदीब की अहमियत है कि वो अपने एहसास और माशरा जो चल रहा है, माहौल जो चल रहा है, उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहा है। तो जो आर्टिस्ट होता है, जो मुसव्विर होता है, वो अपने एहसास को और माशरे में जो कुछ भी हालात हैं सब कुछ उनको रंगों से बयान करता है। आपकी आँख क्या देखती है, आपके जज्बात क्या फील करते हैं, ये एक्सप्रेशन है, ये एक बहुत खूबसूरत मीडियम है जिसको सराहना हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते वो ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार, हम क्या कर रहे हैं आर्ट के लिए, तो हमारी कंट्रीब्यूशन। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक आर्ट को हमें बहुत सराहना चाहिए, बिकॉज उससे एक नैरेटिव बनता है, उससे एक साइकोलॉजी के अंदर चेंज आना शुरू होता है। असा इतने जो को मां पांजे टाइटल से पेश करतम पांजे आर्ट के, ये मुझे सैलाब के मुतालिक ठहल तस्वीर आ जिमें पांजे रंगन सामा दिखाने की कोशिश कई है, जो दुख जो तकलीफ असि माना सोसाइटी में जो आई उन दौरान ये मुझे जो तस्वीर ठहल आ इनमें जो मुझे रंग हैं उ रंग गलन पाया कि मुझे नेचर में ऐसी कि मुझे ही पेंटिंग आ ऑयल पेंटिंग से ठाई हूँ नेचर मां ॾिसी इंस्पायर थी पोइ ठाही हुयमि। हिन जो जेको स्कोप आहे अॼु स्पेशली तव्हां जेकॾहिं न्यू जनरेशन खे तव्हां ॾिसंदो त हू वेयरिंग सुठी कंदा आहिनि, हू जेको आहे ब्यूटिशन थियणु चाहींदा आहिनि, ऐं इहे सभु कम जेके आहिनि इहे सिखण जे लाइ स्पेशली गुलशन हदीद जूं छोकिरियूं छोकिरा शहर जो रुख था कनि। इन करे असांजे माइंड में इहो आयो त बजाए जो हिननि खे शहर में वञी तकलीफ़ूं हासिलु थियनि, इन खां बहितर आहे त इहे सब्जेक्ट असां हिननि खे हिते ई मुहैया कयूं। पंहिंजे आर्ट जे पेंटिंग जे थ्रू जेके आहिनि स्टूडेंट्स पंहिंजो कमु शो था कनि, पंहिंजा आइडियाज़ ॿुधाइनि था, त उन्हनि जा आइडियाज़ कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, नेचर जे हवाले सां ॿुधाइनि था, कुझु इस्लामिक बि आहिनि एंड डिफरेंट आहिनि। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्ट है, जितनी भी सोसाइटी अभी डिप्रेशन वाला माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, और सिर्फ इधर नहीं पूरी दुनिया में ही चल रही है, तो सिर्फ हमारे पाकिस्तान में या हमारे इलाके में नहीं पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि आर्ट को फ़रोग देना चाहिए। इस वजह से कि शायद आर्ट एक नेचर के करीब लेकर आती है, आप अपने आइडियाज़ को जो लोगों को नहीं कह सकते आप उसको कैनवस पे या किसी भी तरह की आर्ट जो आप कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल आर्ट है या फाइन आर्ट्स है, आप वो निकालें। जब आपके अंदर से वो आर्ट निकलेगी वो आपका डिप्रेशन रिमूव होगा, और आप इस चीज़ को बहुत, मुझे लगता है कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप आर्ट पे काम करेंगे ना तो आप बहुत सारी पॉजिटिव टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर और ख़ास तौर पर गुलशन हदीद में रहते हुए लोगों को आर्ट की कोई कदर नहीं है, ना पहचान है ना कदर है, वो इसको एक चीज़ एक फजूल चीज़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी लगन है, कितने ख्वाब पीछे छुपे हुए हैं। और ख़ास तौर पे अगर इस पर ऑब्वियसली एक मेहनत की हुई है तो उस पर उतनी लगन लगी है, मेहनत लगी है, टाइम हमने स्पेंड किया, तभी उसकी इतनी कीमत हम रख रहे हैं। अब यहाँ कोई कीमत सुनता तो कहते हैं इसकी क्यों इतनी कीमत, इससे अच्छा तो हम ये चीज़ ले लें। ये आर्ट के ज़रिए पांच ख्यालों को इज़हार कर सकते तो, आज़ादी को इज़हार कर सकते तो, पर इन ज़रिए ख़ास तौर पर न्याणियों पांजो बेरोजगारी का भी बची सकन थी। कैमरामैन मंजूर नूनार सा गड वहीद मुराद सियाल, केटीए न्यूज़, गुलशन हदीद, मलीर, कराची।